हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सीएम खट्टर की कोशिश है कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग में जनहितैषी फैसले और जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए उनकी लोक लुभावन घोषणाओं से ये साफ हो गया है कि बीजेपी चुनाव को किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले रही। सीएम खट्टर के विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने के फैसले से ये साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। इसके अलावा सीएम की घोषणाओं को भी तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता में किसी तरह का आक्रोश ना रहे। यानी मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मीटिंग में लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जनता की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं ताकि वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना सके। इसके अलावा बीते कुछ दिनों से हरियाणा में बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। यानी बीजेपी की कोशिश बड़े और नामचीन नेताओं के जरिए भी हरियाणा में चुनावी फायदा उठाने की है, वोट बटोरने की है। वही हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के गांव खांडा खेड़ा में भारत स्तंभ अवलोकन के बहाने वहां बीजेपी के बड़े नेताओं का आना साफ करता है कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार से लोकसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर कैप्टन अभिमन्यु को हिसार से लड़वाया गया तो कुलदीप बिश्नोई और चौधरी रणजीत सिंह के सपने धाराशाही हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही हिसार लोकसभा पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भी हिसार से सांसद है और वो भी दोबारा इस सीट से दावेदार है। तो कुछ लोकसभा सांसद इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ लोकसभा का चुनाव लड़कर राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाह रहे हैं। हालांकि दावेदारी अपनी जगह है लेकिन अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की तो बहुमत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अभी तक गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते अभी तक संगठन नहीं खड़ा हो पाया है जिसकी वजह से पार्टी में मायूसी का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा भी बीजेपी को चुनाव में मिल सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की रणनीति कितनी सफल होगी और क्या सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।